गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मेरे यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट क्लब में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के लिए अनदर वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूँ फॉर मंडे विद टॉप 3 स्टॉक के साथ। हमेशा की तरह बहुत ही अच्छे स्टॉक मैंने सेलेक्ट किए हैं, काफ़ी अच्छे लेवल पर मैंने उनको सेलेक्ट किया है। किस लेवल पर बुलिश रहेंगे और किस लेवल पर बेरिश रहेंगे, तो हर एक स्टॉक को आपको डीपली और सिंपल लैंग्वेज में एनालाइज करके बताऊंगा, जिससे कि आप आसानी से इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सके और प्रॉफिट अर्न कर सके। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, एक भी सेकंड का वीडियो स्किप ना करें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट क्लब जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ जो डिस्क्रिप्शन में जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप चाहे तो मेरे साथ टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको मार्केट टाइमिंग में नए नए स्टॉक के लेवल देता रहता हूँ। बाई चांस क्या होता है, इन तीन स्टॉक में से कोई स्टॉक गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, तो मैं उसको फिर से अपडेट करके देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं फ्राइडे जो मैंने स्टॉक दिया था, रिलायंस, पीवीआर एंड इंडिगो, तो इन तीन स्टॉक ने किस तरह से परफॉर्म किया था फ्राइडे को। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों इंडिगो। इंडिगो जैसे मार्केट ओपन हुआ तो बिल्कुल ही जो है बुलिश ट्रेंड में रहा दोस्तों, और मैंने इसको बाय के लिए दिया था 946 से। आपको इसको बाय करना था और इसने जो हाई बनाया दोस्तों 989, नियर अबाउट इसने जो है 50+ पॉइंट का प्रॉफिट देकर गया है बाइंग साइड। तो दोस्तों, ये होता है पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप भी इस पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जो है मेरा नंबर दिया हुआ है, आप चाहे तो मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। सेकंड जो स्टॉक मैंने दिया था दोस्तों, वो दिया था रिलायंस। रिलायंस जो है बिल्कुल ही जो है पहले मार्केट ओपन हुआ तो कैंडल बहुत बड़ा बनाया था, तो मैंने आपको रोक दिया था ट्रेड करने के लिए, आपको वेट करने के लिए कहा था। तो जैसे ही इसने जो है मार्केट ओपन हुआ, तो इसने बाइंग साइड जो है मैंने इसको बाय के लिए दिया था 2120 से, इसको बाय करना था, और इसने जो हाई बनाया दोस्तों 2129, नियर अबाउट इसने जो है 10+ पॉइंट का प्रॉफिट देकर गया बाइंग साइड। और जब मैंने इसको सेल के लिए दिया था 2099 से, तो इसने जो लो बनाया दोस्तों 2053, तो नियर अबाउट इसने भी जो है 50+ 40+ पॉइंट का जो है प्रॉफिट देकर गया है सेल साइड। तीसरा जो स्टॉक दिया था दोस्तों मैंने पीवीआर। पीवीआर ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया, मैंने जो टारगेट दिया था या मैंने जो लेवल्स दिया था, उस लेवल्स के बीच में जो उसने मोमेंट लिया है और बिल्कुल ही जो है कुछ खास मोमेंट नज़र नहीं आया। लेकिन लास्ट मोमेंट में जब इंट्राडे का टाइम फिनिश हो गया था, तो लास्ट के जो कैंडल था 3:30 बजे का, यानी कि जो डिलीवरी टाइम होता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा उसने बुलिश ट्रेंड में गया था। लेकिन होप कि आपने ट्रेड नहीं किया होगा। लेकिन जो दो स्टॉक थे, इंडिगो और रिलायंस, तो इन दो ज़बरदस्त परफॉर्म किया दोस्तों। होप कि आप लोगों ने अच्छे से इनको जो है वॉच किया होगा और जो है प्रॉफिट अर्न किया होगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, कल मंडे के लिए कौन कौन से स्टॉक है जिसको आपको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना है। तो सबसे पहले दोस्तों, जो मैंने सेलेक्ट किया है वो है सिमन। सिमन को आपको बाय करना है 1166 पर, टारगेट रहेगा 1170, 1174, 1178। इसी तरह से अगर डाउन साइड जाते तो आपको सेल करना है 1154 पर, टारगेट रहेगा 1150, 1146, 1142। सेकंड जो स्टॉक मैंने दोस्तों सेलेक्ट किया है वो बजाज फाइनेंस। आपको बाय करना है 3273 पर, टारगेट रहेगा 3277। दोस्तों यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप इसको थोड़ा सा करेक्शन करके लिख लेना कि भाई 3277 इसका जो है टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट रहेगा 3282, 3288। इसी तरह से अगर सेल साइड जाता, डाउन साइड जाता है, तो उसको आपको सेल करना है 3218 से, इसको सेल करना है। टारगेट रहेगा जो है 3218, 3212, 3205। तीसरा जो स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया है दोस्तों, छोटा स्टॉक जरूर है लेकिन परफॉर्म करता है ज़बरदस्त, 5 से 10 पॉइंट दे जाता है। तो इसको आपको जो है एग्जैक्ट लेवल पर लेना है, अगर बाइंग साइड लेना है तो 588 पर, टारगेट रहेगा 590, 592, 594। इस तरह से अगर डाउन साइड है तो उसको सेल करना है 580 पर, टारगेट रहेगा 578, 576, 574। तो दोस्तों, ये थे टॉप 3 स्टॉक कल मंडे के लिए जिसको मैंने सेलेक्ट किया है। होप कि आप लोग अच्छे से ट्रेड कर सके और प्रॉफिट अर्न कर सके। लास्ट में एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ जो है उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो मार्केट में बिगिनर्स है, जिनको पता नहीं होता है कि किस तरह से प्रॉफिट अर्न किया जाता है। और ज़रूर मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ी है, जहाँ पर काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और काफ़ी अच्छा अर्निंग भी कर रहे हैं सभी डेली बेसिस पे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। थैंक यू।